आपने देखा होगा फिजिक्स में, मैथ्स में भी अगर बात करें और ऑर्गेनिक में, हर एक सब्जेक्ट में कई बार बड़े बड़े सवाल जो आप खुद सोचोगे, मतलब सोच भी नहीं पा रहे हो, और टीचर उसको खट से करे जा रहे हैं। नेचुरली इतने साल के बाद उनको एक्सपर्टाइज हुआ है। आप अभी स्टूडेंट हो तो वो एक्सपर्टाइज शायद नहीं आएगा, बट स्टिल उस लेवल का हमारे दिमाग में कई बार आता था। जब मैं ऐसे पढ़ता था तो दिमाग में आता था कि काश मैं भी ऐसे ही खटखट सॉल्व कर जाऊं खट से उतने कम समय में। सारा गेम है एल्गो का। दिमाग में एक फंडा फिट बैठ जाता है कि सवाल आएगा तो उसका मेथड कैसे होगा। जैसे मान लो मुझे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं किसी के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, तो उसका एक मेथड है कि ये करना है। तो एग्जाम से पहले होता क्या है कि किसी भी तरह के सवाल का मेथड दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अब वो कब होगा? जब बार बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि ऐसा कोई सवाल आता है तो मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, ऐसा आता है तो ऐसे करूंगा। कभी कभी सवाल बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, तब हमारे बेसिक्स काम आते हैं। यानी पहले उस सवाल को, जो अजीब सा सवाल है, उसको हमें एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो जाना पहचाना लगे। वो दिखने में अनजान लगता है क्योंकि वैसा क्वेश्चन हमने किया नहीं होता, पर होता तो उसी चैप्टर से, गिवन चैप्टर से। तो उसको पहले उस चैप्टर से रिलेट करके आसान फॉर्म में लाना होता है, समझना होता है, एंड देन आगे बढ़ना होता है। बस तो मेथड्स होते हैं हर चीज़ के।